आज के वीडियो में सीएससी आईडी से आपको एलपीजी गैस बुकिंग करने का कम्प्लीटली प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे सीएससी लॉगिन, अपना सीएससी आईडी लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है GAS गैस, फिल करके एंटर पे क्लिक कर देंगे। जैसे एंटर पे क्लिक करेंगे, नंबर टू में जो एलपीजी गैस रिफिल बुकिंग, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इसमें क्लिक करेंगे, सिंपली आपका डिटेल शो होगा, प्रोसीड में क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर वन पे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बुक योर एलपीजी सिलेंडर, नंबर वन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीन कंपनी का गैस बुक कर सकते हैं, इंडियन, भारत और HP। चलिए आज के वीडियो में हम इंडियन गैस बुकिंग करेंगे, इसीलिए इंडियन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आप तीन ऑप्शन से भी बुक कर सकते हैं, एलपीजी आईडी, मोबाइल नंबर और कंज्यूमर नंबर। चलिए हम कंज्यूमर नंबर सिलेक्ट करके, यहाँ पर गैस में आपका कंज्यूमर नंबर मिल जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर कोड आपके गैस के पासबुक में मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट फोर डिजिट, कंज्यूमर नंबर का लास्ट फोर डिजिट यहाँ पर फिल करेंगे। सिंपली आपको सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे, नंबर में जो ऑप्शन है सिलेक्ट प्रोडक्ट, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना जो भी CSC पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद CSC का वॉलेट पासवर्ड जो भी है, वॉलेट पासवर्ड यहाँ पे फिल करके, यहाँ पे आपका ₹2 पर बुकिंग में पे करना है। सिंपली पे में क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस हो चुका है, यानी कि अपना सिलेंडर का एलपीजी गैस बुकिंग सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद सिंपली सेम आपको दूसरे बुकिंग करना है, होम पेज में क्लिक करना है, प्रोसीड में क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर वन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंडियन बुकिंग करना है तो इंडियन में क्लिक करके कंज्यूमर में क्लिक करेंगे। उसके बाद कंज्यूमर नंबर फिल करेंगे। उसके बाद गैस के पासबुक में मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर कोड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद कंज्यूमर का आखिरी चार अंक यहाँ पे फिल करके सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर वन पे सिलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे, सिंपली वॉलेट पिन फिल करके पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट सक्सेस हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे योर रिफिल रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुल बुकेड, यानी कि अपना एलपीजी बुक बुक हो चुका है। उसके बाद फिर से आपको बुक करना है तो सिंपली होम पेज में क्लिक करेंगे, इंडियन में क्लिक करेंगे, कंज्यूमर नंबर फिल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फिल करके कंज्यूमर का आखिरी चार अंक फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर वन पे सिलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे, वॉलेट पिन डालेंगे। उसके बाद सिंपली पे में क्लिक करेंगे, सक्सेस हो चुका है। इसी तरह आपने जितने भी अपना गैस बुकिंग का काम आपको मिलेगा, आप आसानी से बुक कर सकते हैं। यह वीडियो सीएससी में गैस बुकिंग करने का प्रोसेस दिखाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सीएससी आईडी में जितने भी अपडेट है, एक एक करके आपको वीडियो यूट्यूब चैनल में लाता रहूँगा। तो हमारे साथ बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।